दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। एक स्कूल जाता हुआ बच्चा किसी तरह से एक ऐसी जगह में फंसा हुआ है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और साथ ही में वो यहां पर किसी को भी नहीं जानता है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये है कि उसे अपना पता भी नहीं मालूम है जहां वो वापस जा सके। अब एक बात तो साफ है कि इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बॉलीवुड फिल्म बजरंगी भाईजान तो आप सभी ने देखी ही होगी। इस फिल्म में सलमान खान गुम हुई एक पाकिस्तानी बच्ची को उसके परिवार से मिलवाते हैं। सलमान ने तो ये काम रियल लाइफ में किया और तमाम तारीफें बटोरी। रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान जैसा ही एक इंसान है जिन्होंने 13 साल पहले बिछड़े एक लड़के को उसके परिवार से मिलवाया है। जी हाँ, दरअसल 23 साल का रंजीत वर्मा जनपद अंबेडकर नगर के ब्लॉक जलालपुर के ग्राम सुराही का रहने वाला है। रंजीत के पिता राम सिद्धार वर्मा गांव में चाय का होटल चलाते थे। बचपन में रंजीत का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसके कारण स्कूल में उसे टीचर रोज मार लगाते। एक दिन होमवर्क ना पूरा करने पर उसके पिता ने भी उसकी खूब पिटाई लगाई। इससे नाराज होकर रंजीत रेलवे स्टेशन पर आ गया और एक ट्रेन पर बैठ गया। रंजीत की उम्र 10 वर्ष की थी और उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो ट्रेन से आखिर जा कहां रहा है। ट्रेन हिमाचल प्रदेश में रुकी तो वहां पर वो एक लड़के से मिला। लड़का उसे अपने साथ लेकर गया। रंजीत उसके घर में रहकर काम करने लगा। कुछ समय बाद जम्मू का रहने वाला एक शख्स हिमाचल प्रदेश आया और रंजीत को काम दिलवाने के लिए अपने साथ जम्मू ले गया। जम्मू में रंजीत ने कई सालों तक काम किया। 2 महीने पहले उसकी मुलाकात राजमिस्त्री धनी राम से हुई। वो धनी राम के साथ जम्मू में ही काम करने लगा। धनी राम ने उसके रहने व खाने पीने की पूरी तैयारी की थी। एक दिन काम के दौरान उसे उदास देखकर धनी राम ने वजह पूछी तो उसने परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब धनी राम ने उससे जगह पूछी तो मालूम चला कि रंजीत को ना अपना शहर पता है, ना थाना और ना ही कोई लैंडमार्क। उसे सिर्फ परिवार वालों के नाम और सुराही गांव में लगने वाली बाजार शहजादपुर का नाम याद था। उसके बाद धनी राम ने अपना सारा काम छोड़कर रंजीत को परिवार से मिलाने की ठान ली और ये साबित कर दिखाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी हम देख सकते हैं पवन पुत्र भाईजान में? जब ऐसी दिलचस्प और रियल घटनाओं को हम बड़े पर्दे पर देखते हैं ना, तो वो हमें कुछ अलग ही महसूस करवाती है। और रियल से रियल कहानी का ये सफर एक ऐसा जादू कर जाता है जो क्रिटिक्स के साथ साथ आम दर्शक के दिल को छू जाता है। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।